हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फ्लेमिंगो लास्ट लेसन का पार्ट टू देखने वाले हैं। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, जाके इसको पहले देखिए। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो ये पार्ट टू आपको समझ में नहीं आएगा। अब तक हमने पार्ट वन में ये देखा था, एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। सो फ्रांस स्कूल जाने के लिए उसका बिल्कुल भी मन नहीं है, उसके लिए टू रीजन है। एक तो उसके पार्टिसिपेंट्स लर्निंग नहीं कर रहे हैं, जो एम हैमर आज उसका टेस्ट लेने वाले हैं। और दूसरा रीजन जो है एटमॉस्फियर, बाहर का माहौल उसे बहुत टेंपटिंग कर रहा है और इसी वजह से वो स्कूल नहीं जाना चाह रहा है। फिर जैसे जैसे वो स्कूल पहुंचता भी है तो स्कूल का जो डिफरेंट एटमॉस्फियर है, द स्कूल इज एज क्वाइट एज ए संडे मॉर्निंग एंड एम हैमर्स अटायर, ये सब चीजें उसको सरप्राइज करती। एंड व्हेन ही सॉ द ओल्ड विलेज पीपल आर सिटिंग एट द बैक बेंच, बाई हू ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेस, द ओल्ड विलेज पीपल ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेस, सो ही वॉज शॉकिंग, ही वॉज सरप्राइजिंग। एंड देन वॉट हैपन, देन एम हैमर अनाउंस दैट कि बर्लिन ने क्या करा है, ऑर्डर आया हुआ है बर्लिन से भाई कि कल से अल्सैक और लॉरेट इन दोनों ही डिस्ट्रिक्ट में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, अब वहां के स्कूलों में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। और उसी के बाद जैसे ही अनाउंसमेंट सुनते से ही दिस वर्ड्स थंडर क्लैप टू फ्रांस, और जैसे ये बस सुनते ही उसको एक थंडर क्लैप जैसा उसके माइंड में आ जाता है और फिर वो कहने लगता है फ्रांस रिग्रेट फॉर नॉट लर्निंग। वो ये अफसोस मनाता है, वो रिग्रेशन करता है कि माय बुक्स दैट हैड सीम सच अ न्यूसेंस व्हाइल आई वाज सो हेवी टू कैरी, माय ग्रामर एंड माय हिस्ट्री टू ऑफ द सन्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, कि जो बुक्स उसको न्यूसेंस क्रिएट करती थी उसको कैरी करने में उसको हैवी लगती थी, उसकी ग्रामर, उसकी हिस्ट्री और ये सारी चीजें उसे जैसे कि बहुत ही बेकार सी लगती थी, बट आज वो उसे एक ओल्ड फ्रेंड से जैसी लगने लग गई है। और दूसरा उसको बुरा लगता है, बहुत ही सैड फीलिंग होता है एम हैमर के लिए कि जो क्रैंकी टीचर जिसके हाथ में हमेशा रूलर होता था उसे अब वो वापिस से नहीं देख पाएंगे। देन लव ऑफ देयर लॉस्ट नेशन, अब उसे समझ में आया है कि क्यों एम हैमर इस स्पेशल अटायर में है, क्यों ओल्ड विलेज पीपल बैक बेंच पर बैठे हुए, तो ओल्ड विलेज पीपल को टू पे द रिस्पेक्ट टू द ओल्ड मास्टर फॉर हिज 40 इयर्स ऑफ द फेथफुल सर्विसेज। एंड हैमर ने उस स्कूल में 40 इयर्स तक अपनी सर्विसेज दी थी और इसी वजह से सारे गांव के ओल्ड विलेज पीपल जो थे वो वहां पर स्कूल में उनके लिए रिस्पेक्ट शो करने के लिए, उनके नेशन को रिस्पेक्ट शो करने के लिए, उस लैंग्वेज की रिस्पेक्ट शो करने के लिए वो वहां पे आए हुए थे। और एम हैमर ये स्पेशल अटायर, ये स्पेशल ड्रेसअप में क्यों थे, क्योंकि इन द ऑनर ऑफ द लास्ट लेसन, इन द ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन, सो एम हैमर वोर दिस स्पेशल अटायर। देन एम हैमर यही सब सोच, सभी फ्रांस सोच रहा है, तभी जस्ट एम हैमर ने फ्रांस को क्वेश्चन कर लिया पार्टिसिपेंट्स पे, एंड फ्रांस वॉन्ट्स टू एक्सप्लेन टू स्पीक कॉन्फिडेंटली, फ्रांस चाह रहा है कि मैं पूरे कॉन्फिडेंसली इस क्वेश्चन का आंसर दू, बट फ्रॉम वेरी फर्स्ट वर्ड ही मिक्स्ड अप ऑल द थिंग्स, फ्रांस बट मिक्स्ड अप ऑल द थिंग्स, सारी चीजें उसने मिक्स कर दी। वो चाहता था कि मैं आज एक उस क्वेश्चन का आंसर एम हैमर ने जो पूछा है उसका आंसर मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंटली दू, बट वो फर्स्ट वर्ड से ही कंफ्यूज हो जाता है, उसको पूरा मिक्सअप कर देता है। एंड ही वाज सॉरी फॉर नॉट बीइंग एबल टू गिव द आंसर। देन पार्टी जब जैसे उसका आंसर सुनते हैं वो आंसर प्रॉपरली नहीं दे पाता है तो एम हैमर आगे बोलना स्टार्ट करते हैं। एम हैमर ब्लेम करते हैं पीपल ऑफ अल्सैक को, कि पीपल ऑफ अल्सैक हु केप्ट लर्निंग फॉर टुमारो, कि पीपल अल्सैक के जो पीपल है ये लर्निंग को दूसरे दिन पे छोड़ देते हैं, वो प्रॉपरली नहीं पढ़ते हैं। वो कहते वाह आई हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम, ऐसा बोलते थे कि हमारे पास बहुत सारा टाइम है हम कल पढ़ लेंगे, और इसी वजह से लोग जो है अल्सैक के ये कोई भी लैंग्वेज या कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते। फिर वो ब्लेम करते, देखो यहाँ पे इतना बोलने के बाद वो ब्लेम करते हैं यहाँ पर कि पेरेंट्स प्रेफर टू सेंड देयर चिल्ड्रन इन द फार्म इन अ मिल
फॉर वर्किंग, भाई वो वर्किंग के लिए बच्चों को फार्म में भेजना पसंद करते हैं, मिल में भेजना पसंद करते हैं, जिससे उनको अर्निंग हो जाए, उनको इनकम हो जाए, बट वो बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। साथ ही साथ वो ब्लेम अपने आप को भी करते हैं, वो ये कहते हैं कि he was not taking his classes seriously and sending students to water his plants and giving holidays when he wished to go for fishing. भाई जब उनका फिशिंग पे जाने का मन होता था तो वो बच्चों को हॉलीडे डिक्लेयर कर देते थे, और जब वो बच्चे क्लास में आते थे तो बच्चों को अपने पौधों को पानी देने के लिए भेज देते थे। इसी तरीके से एम हैमर दो लोगों को ब्लेम करते हैं, एक तो पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं और दूसरा वो अपने आप को भी ब्लेम करते हैं। अब देखिए कि एम हैमर प्रेज द फ्रेंच लैंग्वेज, भाई अब एम हैमर बोलने जा रहे हैं, आगे अपना लेसन कंटिन्यू कर रहे हैं, वो प्रेज उस लैंग्वेज की प्रेजिंग कर रहे हैं कि द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, वी मस्ट गार्ड अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट दी ईट। भाई वो ये कह रहे हैं कि हमें इस लैंग्वेज को भूलना नहीं चाहिए, हमें इसकी इसको गार्ड करके रखना चाहिए, इसको सीख करके रखना चाहिए, इसे बचा के रखना चाहिए, और वो कह रहे हैं कि ये लैंग्वेज सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। देन फ्रांस फील्ड विद एडमिरेशन, भाई फ्रांस कैसे एडमिरेशन से फील्ड हो गया, वो ये कहना है कि भैया आज से पहले भाई एम हैमर टॉट विद पेशेंस एंड एम हैमर वांटेड टू टीच एवरीथिंग इन अ क्लास, इन अ वन क्लास। भाई वो ये कह रहे हैं कि एम हैमर ने कभी भी इतने पेशेंस से ना ही पढ़ाया था, या फिर हो सकता है इतने पेशेंस से, इतने कॉन्सेंट्रेशन से मैंने कभी पढ़ा नहीं था। ये दोनों चीजें वो कह रहा, क्योंकि टुडे ही थिंक्स दैट इट्स सो इजी। वो ये कह रहा है कि आज जो है मुझे वो सभी चीजें बहुत ही इजी लग रही है जो वो पढ़ा रहे हैं। और दूसरी चीज एम हैमर ये चाहते हैं कि वो सारी ही चीजें आज एक ही दिन में सबको पढ़ा दे, वो ऐसा चाह रहे हैं कि इस लास्ट लेसन में वो सारी चीजें सभी बच्चों को या सभी लोगों को एक साथ पढ़ा दे। देन व्हेन दे हैव कंप्लीटेड द ग्रामर पार्ट एंड देन दे स्टार्ट न्यू थिंग एंड और जिसपे फ्रांस अलसैक, फ्रांस अलसैक लिखा हुआ, और वो चीजें वो सभी लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए, हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए, ट्रेसिंग करने के लिए दे रहे हैं, और दे ऑल आर बिजी टू ट्रेसिंग द फिश हो और तभी विल द make them sing in open poems. So all these are busy, all the members are busy in dressing the fish hook, and at the same time there are some beetles, but no one paid attention to the beetles, and then the peasant, as they're on the roof, there is a peasant, or France mock German, can they force animals and birds to speak in German. अब यहाँ पे फ्रांस थोड़ा सा मॉकिंग वे में, थोड़ा सा फनी वे में कहता है, एक पीजन वहां पे रूफ पे है और कह रहा है कि क्या ये जर्मन इन लोगों को भी जर्मनी लैंग्वेज में ही गाना गाने के लिए कहेंगे या बोलने पे फोर्स कर देंगे, कि जैसे अलसैक के पीपल को, जैसे अलसैक के लोगों को इन्होंने फोर्स किया है, क्या सेम है उनको भी वो फोर्स कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ह्यूमन प्रोडक्टिविटी, भाई मैन हैज टर्न इन ह्यूमन, मैन ही वांट्स टू कंट्रोल रूल एंड टेक ओवर अदर, बर्ड्स एंड एनिमल्स कैन बेटर देन हु स्टील लेट ईच अदर लिव फ्री इन देयर पेरिफेरीज। भाई यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम पीपल के ऊपर कोई भी फोर्सफुली कोई भी चीज को इम्पोज कर सकता है, बट बर्ड्स और एनिमल्स पे हम लोग ये नहीं कर पाएंगे। सो एम हैमर फील सॉरी फॉर द लॉस ऑफ हिज कंट्री, एम हैमर को बहुत बुरा लग रहा है, वो यहाँ पे कह रहे हैं उन्हें यहाँ से दूर जाने के लिए 40 इयर्स में, जब वो देखता है फ्रांस एक बार उनको ऊपर गर्दन उठा के, तो वो देखता है कि वो बिल्कुल भी मोशनलेस चेयर पर बैठे हुए और सभी चीजों को गेजिंग कर रहे हैं, सभी चीजों को देखते हुए जा रहे हैं, और तभी उन्होंने जो प्लांट्स लगाए थे, जो आज बड़े हो चुके हैं, जो क्रीपर्स लगाई थी वो सारी आज बड़ी हो चुकी है, और पूरे 40 इयर्स उन्होंने इस स्कूल के लिए फेथफुली वर्क किया है, और इसी वजह से उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। एंड देन एम हैमर रेडी टू लीव हिज सिस्टर,
मूविंग इन द रूम अबाउट इन द क्लासरूम पैकिंग क्रॉस भाई उनकी जो सिस्टर है उन्हें कल ये स्कूल छोड़ के जाना है तो उनकी जो सिस्टर है वो वहां पे साइड के रूम में पैकिंग कर रही है और वो अब रेडी हो चुके हैं कल स्कूल से दूर जाने के लिए। और जब जैसे ही 12 o'clock होता है और चर्च की बेल क्लॉक 12 o'clock नॉक करती है तभी वो लोग ये देखते हैं कि सारे जो पर्सियन सोल्जर्स है वो ड्रिलिंग करते हुए उनके ट्रम्पेट बजते हैं वो ड्रिलिंग करते हुए रिटर्न हो रहे हैं ये सब देखते हैं। और तभी जो एम हैमल है ये खड़े हो जाते हैं वो लोगों को फेस नहीं कर पाते वो कुछ बोलना चाहते हैं बट उनकी जो थ्रॉट है वो चॉक हो जाती है एंड ही टुक द पीस ऑफ चॉक उन्होंने अपना एक चॉक का पीस उठाया और एज लार्ज एज जितना हो सके उतना बड़ा उन्होंने एक ही वर्ड लिखा है वी वर द फ्रांस मींस लॉन्ग लिव फ्रांस यही उन्होंने लिख के सभी को थ्रू जेस्चर दे से टू ऑल पीपल वो सभी लोगों को कहते हैं द क्लास इज डिसमिस। स्टूडेंट यहाँ पे ये चैप्टर हमारा एंड हो जाता है। स्टूडेंट इस पार्ट में हमारे सिर्फ दो ही मोस्ट टाइम क्वेश्चन बैठते हैं जो ऐसा मुझे लगता है कि ये दो क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड में। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही पे है हमारा कि फ्रांस और क्या लिखते हैं एट द एंड में वो क्लास में और क्यों लिखते हैं भाई इसे सभी का आंसर एक ही होता है टू शो द रिस्पेक्ट ऑफ देयर लैंग्वेज टू शो द रिस्पेक्ट फॉर देयर कंट्री ये वाला एक क्वेश्चन बैठता है। और दूसरा क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि जो पेरेंट्स के लिए बताया गया था पेरेंट्स के लिए बताया गया कि टू हूम एम हैमर ब्लेम फॉर नॉट लर्निंग द लैंग्वेज That time, first he blamed to the parents and second he blamed to himself. ये दोनों रीजन हमें उस आंसर में लिखना पड़ेंगे तभी हमें फुल मार्क्स मिलेंगे सिंगल वन आंसर लिख के हमें काम नहीं चलेगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।